हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम मास्टर चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड हर अपडेट, हर क्लास आपको टाइम पर मिले। दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम दिसंबर 2022-23 के क्वेश्चन जो सभी शिफ्टों के पेपर है उन्हें सॉल्व करवा दीजिए। तो दोस्तों, मैं सॉल्व करवा रही हूँ और EVS का आप लोग का चल रहा है, लगभग कई शिफ्टों का जो है कंप्लीट हो चुका है, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। और हिंदी का तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो भी सभी शिफ्टों का पेपर जो 23-24 शिफ्टों में हुआ है, सभी शिफ्टों का पेपर जो है कंप्लीट कर दिया है मैंने। बाकी EVS आपका चल रहा है, CDP चल रहा है और आपका ये मैथ आप देख ही रहे हैं। इसमें जो है 28 दिसंबर 2023 को जो पेपर हुआ था सीटेट का, उसमें जो मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए। और दोस्तों, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए सन्निकट एवं अनुमान की समझ निम्नलिखित परिकल्पनाओं में से किस संकल्प के विकास की ओर ले जाएगी? ए दिया गया है संक्रामिता, बी है मापन और सी दिया गया है नमूनों, डी है परिकलनों। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से कौन सा जो है करेक्ट होगा ये आपको बताना है, ठीक है? तो पहले में दिया गया है संक्रामिता, ये होगा, और बी आप देख पा रहे होंगे मापन, ये भी होगा, सी है नमूना, ये जो है ये नहीं होगा नमूनों, और डी है परिकलनों, ये भी होगा। यानी ए बी और डी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन डी में दिया है ए बी और डी। तो ऑप्शन डी वाला जो है दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संक्रमिकता की अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये होता क्या है दोस्तों? देखिए, तर्क के आधार पर समस्याओं को हल करना, जैसे पहला और दूसरे के बीच, तीसरे या चौथे के बीच, इस तरह से मापन की निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना होता है, ये जो मापन है। और परिकलन की बात करें यहाँ पे तो ये गणना करने योग्य है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अगला हम लोग देखेंगे, जब एक बच्चे को 567 को लिखने के लिए कहा गया तब उसने उसे आप देख पा रहे होंगे इस तरह से लिखा, ठीक है, 50,067 इस तरह से लिखा। इस त्रुटि का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए में दिया गया है बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और एक लापरवाही श्रोता है। बी दिया गया है बच्चा एक सतर्क श्रोता है किंतु स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पाया है। सी है बच्चा केवल दो अंक की संख्याएं पहचानता है। डी दिया गया है स्थानीय मान की अवधारणा पढ़ाने में शिक्षक की नाकामी। इस त्रुटि का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या हो सकता है ये बताना है। तो दोस्तों देखिए, पहला दिया है बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और एक लापरवाह श्रोता है, नहीं। बी है बच्चा एक सतर्क श्रोता है किंतु स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पाया है। तो ऑप्शन बी वाला जो है दोस्तों ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो कि प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द, बी है संख्या संक्रियाएं, सी है दिक स्थान संबंधी समझ, डी है गणितीय पहेलियां आदि हल करना। इसमें दिया गया है कि कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो कि प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो गणितीय पहेलियां आदि हल करना ये नहीं होगा, दिक स्थान संबंधी समझ ये भी नहीं होगा, संख्या संक्रियाएं ये भी नहीं होगा, अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के अधिगम के संबंध में सही है? ऑप्शन ए में दिया गया है लड़कियों की तुलना में लड़के गणित सीखने में बेहतर हैं, बी है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अलग कक्षाएं होनी चाहिए क्योंकि वे अन्य बच्चों के साथ नहीं सीख सकते हैं, सी है प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है, डी दिया गया है गणित में प्रक्रियात्मक प्रवाह सदैव अवधारणात्मक अस्पष्टता की ओर ले जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के अधिगम के संबंध में सही है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, लड़कियों की तुलना में लड़के गणित सीखने में बेहतर हैं, नहीं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग कक्षाएं होनी चाहिए क्योंकि वे अन्य बच्चों के साथ नहीं सीख सकते, ये भी नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है, ऑप्शन सी दोस्तों ये जो है करेक्ट आंसर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 गणित की पाठ्यचर्या को महत्वाकांक्षी होने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ए दिया गया है पाठ्यचर्या का संख्या ज्ञान में विद्यार्थियों की क्षमताओं का विकास करना आवश्यक है, बी है पाठ्यचर्या का गणितीय चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों के अतिरिक्त आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है, सी है पाठ्यचर्या का गणितीय पहेलियों को हल करने में विद्यार्थियों की क्षमता का विकास करना आवश्यक है। सही विकल्प का चयन कीजिए, इसमें आपको बताना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन ए में जैसा दिया गया है ए वाला, पाठ्यचर्या का संख्या ज्ञान में विद्यार्थियों की क्षमताओं का विकास करना आवश्यक है,
ये नहीं होगा। पाठ्यचर्या का गणितीय चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है, ये होगा। सी है, पाठ्यचर्या का गणितीय पहलियों को हल करने में विद्यार्थियों की क्षमता का विकास करना आवश्यक है, ये नहीं होगा। यानी केवल बी जो है वो करेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी में आप देख पा रहे केवल बी ये जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को सब पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए, इन सब पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया है प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास, बी दिया गया है दिक् स्थान संबंधी समझ के विकास, और सी दिया गया है प्रतिमानों प्रतिरूपों की पहचान, और डी दिया गया है समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों के उपयोग। इसमें से सबसे कम केंद्रित होना चाहिए, किस पर जो है सबसे कम केंद्रित होना चाहिए, तो प्रासंगिक गणित शब्दावली का विकास ये तो होना चाहिए, दिक्स्थान संबंधी समझ के विकास ये भी होना चाहिए, प्रतिरूपों की पहचान ये भी होना चाहिए। तो सबसे कम पूछा गया तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों का उपयोग। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है, इसमें से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है बच्चे की भ्रांतियों के बारे में जानना, बी है ज्ञान के निर्माण में बच्चे की समझ को आंकना, सी है पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणाओं को प्रस्तुत करना, डी है ये जानना कि शिक्षण युक्त विधि उपयुक्त है या नहीं है। इसमें से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है, बच्चे की भ्रांतियों के बारे में जानना ये तो होगा जबकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है, ज्ञान के निर्माण में बच्चों की समझ को आंकना ये भी है, पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना ये जो है दोस्तों नहीं होगा, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना ये नहीं होगा, तो ऑप्शन सी ही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में गणितीय तर्कड़ा विवेचन के कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य उसकी सबसे उपयुक्त तरीके से सहायता कर सकते हैं। ऑप्शन में दिया गया है अपनी कक्षा में गणितीय क्रियाओं और पहलियों का उपयोग करना, और बी दिया गया है अभ्यास के लिए दिए गए एक सूत्र पर आधारित बहुत सारे प्रश्न देना, सी है नियमित कक्षा परीक्षाओं का आयोजन करना, डी है श्यामपट पर पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों को हल करना। तो इसमें पहला ही दोस्तों अपनी कक्षा में गणितीय क्रियाओं और पहलियों का उपयोग करना ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों की पाठ्यचर्या व शिक्षा शास्त्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की प्रस्तावनाओं का निरूपण करता है। ऑप्शन ए में दिया गया है अधिगम समग्र और एकीकृत होना चाहिए, बी दिया गया है 3+3+4 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना, 5+3+3+4 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना, सी में दिया गया है 5+2+3+3 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना, डी में दिया गया है फाउंडेशनल स्टेज में औपचारिक पाठ्य पुस्तकों से अधिगम सम्मिलित होना चाहिए। इसमें से सही विकल्प का चयन करना है, आप लोग भी अपने आंसर करिए। दोस्तों देखिए, इसमें ऑप्शन ए में जो दिया गया है 5+ अधिगम समग्र और एकीकृत होना ये होगा, और आप देख पा रहे होंगे बी वाला जो दिया गया है 5+3+3+4 के नए डिज़ाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना ये करेक्ट होगा, ये दोनों नहीं होगा। तो ए बी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन बी में दिया गया ए और बी ये आपका करेक्ट आंसर होगा, सही विकल्प का चयन करना है आपको। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, एक शिक्षक हस्त कौशल सामग्री जैसे कि ब्लॉक मार्बल इत्यादि का उपयोग गुणन की अवधारणा का विकसित करने के लिए करता है, इस प्रकार की हस्त कौशल सामग्री का उपयोग ऑप्शन ए में दिया गया है शिक्षार्थियों दुविधा असमंजस उत्पन्न करता है, बी दिया गया है औपचारिक कलन विधियों को समझने में बाधा डालता है, सी है छोटे बच्चों को खाली समय देता है, और डी दिया गया है अवधारणात्मक अधिगम में सहायक होता है। तो ये नहीं होगा, दुविधा असमंजस उत्पन्न करना निगेटिव वर्ड है, औपचारिक कलन विधियों को समझने में बाधा डालता है ये भी नहीं होगा, छोटे बच्चों को खाली समय देता है नहीं, अवधारणात्मक अधिगम में सहायक होता है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियां एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है मानक संदर्भित परीक्षा, बी दिया गया है मानदंड संदर्भित परीक्षा, सी है नैदानिक परीक्षा, डी है उपचारी शिक्षण।
जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियों एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है? तो ये नैदानिक परीक्षण है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण से यहाँ से जो है काफ़ी क्वेश्चन किया जाता है। तो दोस्तों, नैदानिक परीक्षा जो है ये होता क्या है? वह परीक्षण जिसके द्वारा छात्रों की समस्याओं का पता लगाया जाता है। बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियां और अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए जो है नैदानिक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी सुझाई गई शिक्षण विधियाँ शिक्षार्थियों को गणितीय ज्ञान का निर्माण करने का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती हैं? कथन दिया गया है, एक शिक्षक इस अवधारणा को पढ़ाना चाहता है कि चतुर्भुज में कोणों का योगफल 360 डिग्री है। शिक्षण विधियाँ यहाँ पे 360 डिग्री है। फर्स्ट में दिया गया है, शिक्षक सैंपट पर एक चतुर्भुज बनाता है और उसके कोणों को चादा का उपयोग करके मापता है और दिखाता है कि कोणों का योगफल 360 डिग्री के बराबर है। सेकेंड में दिया गया है, शिक्षक कागज के एक टुकड़े पर एक चतुर्भुज खींचता है और फिर उसका एक विकर्ण खींचता है ताकि चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित किया जा सके। वह त्रिभुजों के कोण योग गुणधर्म का उपयोग करके दिखाता है कि चतुर्भुज के कोणों का योग फल 360 डिग्री है। थर्ड में दिया गया है, शिक्षक छात्रों को कागज के एक टुकड़े पर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाने के लिए कहता है और उनके आंतरिक कोणों को मापने और प्रत्येक प्रकार के चतुर्भुज में कोणों का योग खोजने के लिए कहता है। सही विकल्प का चयन कीजिए, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना है। दोस्तों देखिए, इसमें जो सेकंड वाला है ना, ये नहीं होगा। सेकंड वाला, शिक्षक कागज के एक टुकड़े पर एक चतुर्भुज खींचता है और फिर उसका एक विकर्ण खींचता है ताकि चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित किया जा सके। वह त्रिभुजों के कोण योग गुणधर्म का उपयोग करके दिखाता है कि चतुर्भुज के कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ये जो है करेक्ट होगा, यानी जो सेकंड वाला है, केवल सेकंड आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन बी में, यही जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विविध संस्कृतियों में पटरी विक्रेताओं और आम लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित को प्राइमरी कक्षा के गणित पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, इसमें से वो बताना है। इसमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया, औपचारिक गणित और पटरी विक्रेताओं द्वारा आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित में कोई संबंध नहीं है। बी दिया गया है, आम लोगों द्वारा प्रयुक्त गणितीय क्रियाएं काफ़ी समृद्ध और महत्वपूर्ण हैं और उनकी कक्षाएं चर्चा में शामिल किया जा सकता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे सत्य नहीं है वो बताना है, तो ये तो सत्य है। सी दिया गया है, विभिन्न संस्कृतियों में प्रयुक्त गणितीय व्यवहारों को शामिल करना गणित के अधिगम को रुचिपूर्ण और प्रासंगिक बनाने के लिए किया जा सकता है, ये भी सही है। डी दिया गया है, विविध पृष्ठभूमि से आए बच्चे संख्याओं गिनती और परिकलन के विभिन्न तरीकों को कक्षाई चर्चा में शामिल कर सकते हैं, ये भी सही है। तो इसमें जो नहीं है, सही नहीं है, वही आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में देख पा रहे होंगे, औपचारिक गणित और पट्टी विक्रेताओं द्वारा तथा आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित में कोई संबंध नहीं है, ये जो है सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, जब बच्चों को दो भिन्न को जोड़ने के लिए कहा जाता है तब एक सामान्य त्रुटि जो गणित का शिक्षक अक्सर पाता है वह यह है कि बच्चे अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ जोड़ते हैं। ऐसी त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए में दिया गया है, लिखित अभ्यास का अभाव, बी है कक्षा में सतर्कता का अभाव, सी है प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ, डी दिया गया है शिक्षण अधिगम सामग्री की अनुपलब्धता। तो इसमें से क्या हो सकता है, ऐसी त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? तो लिखित अभ्यास का अभाव, ये नहीं होगा। कक्षा में सतर्कता का अभाव, ये भी नहीं होगा। प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है 28 दिसंबर 2022 को पूछे गए हैं, और जो भी मैथ पेडागोजी के सारे क्वेश्चन पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद दोस्तों जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, कंटेंट वाले जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग पेडागोजी को कवर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी विधि अधिगमकर्ताओं के बीच गणित में भय और चिंता को कम करने में सहायता करेगी? ए में दिया गया है परियोजना, बी है सहयोगी अधिगम कार्य, सी है पेपर पेंसिल टेस्ट, डी है युगात्मक आकलन। तो देखिए, मैथ में काफ़ी अभ्यर्थी जो है इसको लेकर के परेशान रहते हैं कि मैथ कुछ बच्चों का वीक होता है। तो आप लोग देखिए, ये सीटेट में मैथ बहुत टफ नहीं आती है, अगर आप पेडागोजी अच्छे से समझ लेंगे तो 15 नंबर तो आपका यही बन जाएगा। बाकी कंटेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो भी बहुत टफ नहीं आते हैं, आप आराम से जो है एक अच्छा स्कोर, बस मैथ के नाम पे मत डरिए, जो कंटेंट के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके देखिए, आपको खुद समझ में आएगा। बस देखने में क्वेश्चन बड़े होते हैं, सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्द और बहुत आसानी से जो है सॉल्व हो जाते हैं। तो पहले तो हम लोग पेडागोजी को कवर करेंगे, उसके बाद जो है मैं जो कंटेंट वाले क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करवाऊंगी। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसमें से
सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों ये जो है प्रयोजना जो है ये करेक्ट होगा, सहयोगी अधिगम कार्य ये नहीं होगा, और पेपर पेंसिल टेस्ट ये भी नहीं होगा, युगात्मक आकलन ये होगा। ई और डी किस ऑप्शन में जो है, नहीं दोस्तों ये परियोजना है, सहयोगी अधिगम कार्य ये जो है करेक्ट होगा, ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है, सहयोगी अधिगम कार्य होगा। तो ए और बी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन डी में दिया गया है ए और बी, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे इससे रिलेटेड परियोजना विधि की, अगर हम लोग यहाँ पे इसकी बात करें तो दोस्तों किसी लक्ष्य की प्राप्ति या किसी समस्या को हल करने की योजना परियोजना कहलाती है, यहाँ पे जो ए में दिया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत पूरे कार्य को छोटे छोटे कार्यों के रूप में जो है विभक्त कर समस्या को हल करते हैं। सहयोगी अधिगम की बात करें यहाँ पे, तो ये सहयोग के माध्यम से किया गया कार्य, जैसे गणित अधिगम में दो बच्चों या समूह में बच्चों के द्वारा गणित सीखना कई ग्रुप में, तो इस तरह से होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों 28 दिसंबर में जो पेडागोजी के क्वेश्चन थे उसे मैंने सॉल्व करवा दिया है, अब अगली वीडियो में हम लोग अगली शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपके मन में जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और दोस्तों प्लीज़ ईवीएस की भी क्लास आप लोग देखा करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो आप लोग को काफ़ी ध्यान देना है। जो हिंदी है, हिंदी मैंने कंप्लीट करवा दिया, आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सीरियल वाइज सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। और बाकी दोस्तों आपके मन में जो भी डाउट होगा और आपको एक्स्ट्रा कोई क्लास चाहिए तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।